और ये भी टीम की धमाकेदार एंट्री डायमंड फॉर्मेशन में। देखिए कैसे आसमान की ऊंचाइयों को छूते भारतीय वायुसेना के आदर्श वाक्य नभ स्पृशम दीप्तम को चरितार्थ कर रहे हैं। और अब 6000 फीट की ऊंचाई से वापस धरती की ओर आते हुए ये ऐसे लग रहे हैं मानो आसमान से टूटते तारों की तरह। ये था टीम का लूप मैनूवर। अपनी तो बस यही उड़ान है। देवी और सज्जनों अब कृपया टीम के पिछले भाग में अपनी नजरें बनाए रखें क्योंकि आपको नजर आएंगे एक सदस्य संरचना से अलग होते हुए। एंड देयर ही गोज, दैट्स नंबर 7 स्क्वाड्रन लीडर चंडेल, जो कि फॉर्मेशन से अलग हो चुके हैं लेकिन घबराए नहीं, वो जल्द ही आपसे मिलने आएंगे एक नए अंदाज में। कृपया बाईं तरफ नजरें बनाए रखें, टीम के दोनों ओर के सदस्य पीछे आ चुके हैं डिप्टी लीडर नंबर 4 के विंग्स पर बनाते हुए एक नई फॉर्मेशन जो की है विजय फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन समर्पित थी भारतीय सैनिकों को जो हर चुनौती का सामना कर विजय प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प रखते हैं। देवी और सज्जनों आपको याद होगा हमारे एक सदस्य जो कि टीम से अलग हो गए थे, तो चलिए अपनी नजरें ले जाते हैं बाई ओर शास्त्री पुल की तरफ। वहां से आते नजर आएंगे आपको हमारे नंबर 7, सो कीप योर गेज फिक्स्ड टू। फॉर्मेशन में लीडर के बाएं ओर उड़ान भरते हैं नंबर 3 विंग कमांडर हुड्डा, नंबर 5 विंग कमांडर भारद्वाज और नंबर 9 स्क्वाड्रन लीडर एलन। फॉर्मेशन में दाहिनी तरफ उड़ान भरते हैं नंबर 2 स्क्वाड्रन लीडर वशिष्ठ, नंबर 6 विंग कमांडर आलोक और नंबर 8 स्क्वाड्रन लीडर हिमांशु। और देवी और सज्जनों अब बाएं ओर शास्त्री पुल के ठीक ऊपर से टीम आ रही है आपके सामने डायमंड फॉर्मेशन में और ये कुछ इस प्रकार पुल अप करेंगे मानो एक अदृश्य बैरल के इर्द गिर्द उड़ान भर रहे हो। दर्शकों ये था टीम का बैरल रोल मैनूवर। जिन विमान को आप आज अपने सामने देख रहे हैं वे हैं हॉक मार्क 132। ऐसे एडवांस्ड फाइटर ट्रेनर जेट्स जिन पे ट्रेनिंग कर हमारे भारतीय वायुसेना के अफसर पायलट से फाइटर पायलट्स बनते हैं और इस विमान का 360 डिग्री व्यू दिखाने आ रहे हैं नंबर 7 आपकी दाहिनी ओर से। तो चलिए अपनी नजरें बनाए रखें अरेल घाट के ठीक ऊपर बिकॉज हियर कम्स नंबर 7। हेल्पिंग आर हीरोज फ्लाई हाई इन द स्काई आर द हीरोज ऑन द ग्राउंड। आर टीम ऑफ स्किल टेक्नीशियंस इज लेड बाय विंग कमांडर नेगी, स्क्वाड्रन लीडर धायल, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मनिल एंड मास्टर वॉरंट ऑफिसर कुलदीप कुमार। दर्शकों अब आपसे निवेदन है कि अपनी नजरें ले जाएं ठीक सामने झूसी की तरफ क्योंकि वहां से टीम नजर आएगी आपको दिखाने अपना सिग्नेचर मैनूवर। तो चलिए ले जाते हैं अपनी नजरें ठीक अपने सामने। हिम्मत है तो रोको, जरूरत है तो मानो। अब से कुछ ही देर में मैं आपको सुनाऊंगी सीधा कॉकपिट से हमारे टीम लीडर की आवाज जिसे सुनकर आसमान में बिखर जाएंगे ये विमान। और देखिए कैसे स्फूर्ति और बिजली से तेज रिफ्लेक्सेस का उदाहरण देते हुए आपके सामने चार विमान एक बार फिर लूप का प्रदर्शन कर रहे हैं। जा रहे हैं आप